भाई बहुत टाइम हो गया होगा इस स्पीड की वीडियो देखे हुए, क्योंकि भाई ये थोड़ी रेयर डॉग ब्रीड है और काफी कम लोगों के पास मिलती है, क्योंकि एक तो ये काफी हैवी होते हैं और दूसरा इनका प्राइस जो है वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि हमारे मोस्ट ऑफ द डॉग ब्रीड की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक काफी तगड़ी एंड हट्टी कट्टी डॉग ब्रीड के बारे में, जिसका नाम है बुल मस्टिफ। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग इसकी क्वालिटी देखिए यार, क्वालिटी देखकर आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि फीमेल है इतनी हैवी और आप लोग इसका हेड साइज देखिए यार, अल्टीमेट है। तो गाइस आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि ये जो बुल मस्टिफ है ये एक फीमेल है और ये फुल्ली रिजल्ट प्रूफ है, बिकॉज भाई ओनर इससे ऑलरेडी 2 लीटर ले चुका है। तो गाइस जो लोग एक मस्टिफ डॉग ब्रीड को रखने के शौकीन हैं तो उन लोगों को बुल मस्टिफ जरूर परचेज करने चाहिए, क्योंकि भाई दिखने में काफी खतरनाक लगते हैं बट एक्चुअल में ये इतने अग्रेसिव और इतने अटैकिंग नहीं होते। तो फ्रेंड्स बुल मस्टिफ हैवी होने के साथ साथ काफी बल्कि एंड काफी मस्कुलर होते हैं और इनके फेस पर आप लोगों को ब्लैक कलर जरूर देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ काफी अच्छे रिंकल्स भी। बाय द वे गाइस ओनर का कहना है कि ये जो फीमेल है ये नियर ईट है, बट आप लोग ये कंफर्म कर ले कि इसने लास्ट लीटर कब दिया था, उससे आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि फीमेल कब तक ईट पर आएगी। वैसे गाइस बुल मस्टिफ ज्यादातर इंडिया में आप लोगों को सिर्फ इसी कलर में देखने को मिलता है, ये कलर थोड़ा डार्क और थोड़ा लाइट हो सकता है। तो गाइस आई एम श्योर इस फीमेल को देखकर आप लोगों को यही लगता होगा कि यार अगर हम लोग इसे परचेज करेंगे तो कहीं ये काट वाट ना ले। भाई ओनर ने मुझे बताया कि फीमेल बिल्कुल फ्रेंडली है, आप में से कोई भी इसे परचेज कर सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए इसे हैंडल करना थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती कि एक डॉग को कैसे रखा जाता है। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम ओनर्स हमेशा एक छोटे पपी को ही परचेज करें तो ज्यादा बेटर रहता है। और गाइस जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि बुल मस्टिफ एक थोड़ी एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड है, तो अगर आप लोग इसे परचेज करके ब्रीडिंग का काम भी स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई उसमें भी आप लोग अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। एंड गाइस एक जायंट डॉग ब्रीड का मंथली एक्सपेंसेस थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू अदर डॉग ब्रीड, क्योंकि भाई इनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इन्हें हमेशा कैल्शियम और मल्टीविटामिन जरूर देना चाहिए। वैसे इतने हैवी और इतने लार्ज साइज के होने के बावजूद भी इनकी जो लाइफ स्पैन है वो काफी अच्छी है, जो है 8 to 10 years तक। और गाइस एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस फीमेल के जो फादर हैं वो चैंपियन लाइन से हैं। तो गाइस अगर इस टॉप क्वालिटी बुल मस्टिफ फीमेल की एज के बारे में बात करें तो भाई ये फीमेल जो है ये 18 मंथ्स की हो चुकी है एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है मेरठ उत्तर प्रदेश से। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि एडल्ट डॉग्स पर आप लोगों को ज्यादातर डिलीवरी नहीं मिल पाती, बट ओनर जो है वो आप लोगों को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर, या फिर अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो डायरेक्ट ओनर को विजिट करो और आप लोग इस फीमेल को परचेज करो। एंड प्राइसिंग की बात करें तो भाई ये तो आप लोगों को पता ही है कि A1 क्वालिटी है, तो क्वालिटी में आप लोगों को जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो क्या 22,000 रुपीज यानी 22,000 रुपए। बाकी क्वालिटी को देखते हुए प्राइस मुझे पर्सनली काफी पसंद आया, बाकी इंपॉर्टेंट आप लोगों के ओपिनियन है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, प्राइस पसंद आया तो प्लीज वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं आप लोगों से हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।